हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी फर्स्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्क मेथड स्टेटमेंट। आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर टू क्लाइंट कवरिंग द जनरल वर्क प्रोसीजर ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब इन ए सेफ मैनर एज पर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड विच इज़ हाईली रिस्क कंस्ट्रक्शन वर्क इन नेचर। वर्क मेथड स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट SWMS। आइए इसे और डिटेल में देखते हैं। वर्क मेथड स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट है जो कि सबमिट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा क्लाइंट को। उस डॉक्यूमेंट में जिस स्पेसिफिक वर्क को कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्म करने जा रहा है उससे जुड़ी हुई जानकारी होती है कि किस तरह से पर्टिकुलर जॉब को सेफली परफॉर्म किया जाएगा और उस जॉब में इन्वॉल्व सभी रिसोर्सेज एज पर स्टैंडर्ड होंगे, चाहे वो मैन पावर कॉम्पिटेंसी हो या फिर टेस्टेड एंड सर्टिफाइड टूल्स एंड इक्विपमेंट। ये सभी एज पर स्टैंडर्ड होंगे। वर्क मेथड स्टेटमेंट को सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट भी कहा जाता है। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। SWMS मस्ट कंटेन आइडेंटिफाई वर्क दैट इज HRCW, स्टेट द हैजर्ड्स एंड रिस्क टू हेल्थ एंड सेफ्टी फ्रॉम दैट वर्क, Describe how the risk control measures will be implemented. It should be easy to understand. Date and location the HRCW is to be performed. Responsible person to ensure implementation of controls over hazards. ये अब इन सारे पॉइंट्स को हम समझते हैं। वर्क एक्टिविटी जो कि हाईली रिस्की है उसे आइडेंटिफाई करना, जैसे वर्क एट हाइट है, कन्फाइन स्पेस है या डिमोलिशन वर्क है, ये सारी चीज़ें, जैसे अगर हाइट पर काम हो रहा हो तो गिरने का डर रहता है, तो उस जॉब में जो भी हैजर्ड्स हैं, जो रिस्क है, उसे आइडेंटिफाई करना है और उससे जुड़े खतरे और जोखिम नॉलेज मिलाना है जो कि स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े होते हैं, जैसे स्लिप ट्रिप हैजर्ड, फॉल फ्रॉम हाइट, पिंच पॉइंट, स्ट्रक बाय मशीन इत्यादि। हैजर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए या रिस्क को कम करने के लिए कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना होगा, इसका विवरण देना होता है। सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट बहुत ही इजी लैंग्वेज में होना चाहिए कि सभी को समझ में आए और इसका पूरा कंप्लायंस हो, पालन हो। डेट और लोकेशन जहां पर HRCW परफॉर्म होना है, जहां पे काम होना है, और सबसे अंत में रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल जो उस हाईली रिस्क कंस्ट्रक्शन वर्क साइट को कंट्रोल करेगा और वहाँ पे सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी लेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप पा सकें।